छत्तीसगढ़ में लखीमपुर खीरी जैसे वारदात, दुर्गा विसर्जन के जुलूस को कुचलती चली गई कार। सिंधु बॉर्डर पर हुई हत्या मामले से किसान मोर्चा ने झाड़ा पल्ला, कहा मृतक और निहंग दोनों से कोई संबंध नहीं। जशपुर हादसे में सीएम मंगेल बोले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अफगानिस्तान के कंधार धमाके में अब तक 32 लोगों ने गवाई जान। नूरा फतेही के प्रवक्ता बोले एक्ट्रेस का मनी लॉन्ड्रिंग में कोई हाथ नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत में हो रहा सुधार। अखिल भारत हिंदू महासभा अगले साल 30 जनवरी से खोलेगा शस्त्र ज्ञानशाला। रूस में फिर टूटा कोरोना मौतों का रिकॉर्ड, एक दिन में 999 लोगों ने गवाई जान। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को 2 साल का बैंक स्टेटमेंट दिखाने को कहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 18 अक्टूबर को एक दिवसीय मुजफ्फरनगर दौरा।